मेरी, मैंने कहा था ना तुझसे, तेरा भाई आग की आंधी है और उस आंधी के सामने जो आएगा चल के राख हो जाएगा। मैं तो उसके सामने भी नहीं आई, फिर भी चल गई, लेकिन मैं तुझे नहीं चलने दूंगी, मैं तुझे नहीं चलने दूंगी। आ मेरी, गई थी तुम्हें? ये पूछो चिट्ठी कैसे मिली? हाँ, पहले उनको मिली जिन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी, मेरी भाभी को। उन्होंने जाने क्या सोचा होगा और फिर जाने क्या सोचकर मुझे घर से बाहर भेज दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है विजू, मेरे भाई को पता चल गया तो क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वो मेरी जान ले लेगा। ऐसा मत कहो विजू, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? लेकिन अब हम मिलेंगे कैसे? जब तक पांचों दोस्त हमारे साथ हैं, सारी दुनिया भी आकर हमारे रास्ते में खड़ी हो जाए, हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई बात करो ना। क्या बात करूं? कोई भी। मेरी, मेरी ये भी कोई बात हुई? MARY मेरी, MARRY मेरी, मेरी मैरी। कौन है? फैटी। यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही बस, हवा अच्छी है, खा रहा हूँ। बीजू को देखा है? Shh.
मैरी कहां है? मैंने पूछा मैरी कहां है? मेरे दिल में, मेरे दिल की हर धड़कन में, मेरे खून की हर बूंद में। तू मुझे जानता नहीं, तेरे खून की हर बूंद में चूस लूंगा। आपको मेरी फिर भी नहीं मिलेगी। आप मेरी को मुझसे अलग नहीं कर सकते जब तक मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। तो फिर आज आज मुझे देखना है कि तू डेविड के सामने कितनी देर खड़ा रहता है। आज से बात करना नहीं चाहता या कर नहीं सकता। विजू, विजू बेटा, बात इतनी दूर पहुंच गई फिर भी उसका ख्याल नहीं छोड़ सकता। मुझे मालूम होता मां कि बात इतनी दूर नहीं पहुंचेगी तो मैं उसे कब का भूल चुका होता, उसे छोड़ चुका होता। मैं जानता था मां कि जो हो रहा है वो होना ही था। मैं उसके लिए हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकता हूं, बड़ी सी बड़ी मुसीबत झेल सकता हूं, मगर उसके बिना जी नहीं सकता, नहीं जी सकता। मां मुझे भूख लगती है, खा नहीं सकता, मुझे नींद आती है, सो नहीं सकता। मुझे उसे मिलना होगा मां, चाहे जीते हुए मिलूं या मरने के बाद। हां मां, मैं उसके लिए मर सकता हूं लेकिन उसके बिना जी नहीं सकता। मीजू, मीजू। जी नहीं सकता।